बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में अच्छा रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल है। एक मैंने घर में पार्टी की थी और मैंने की थी बैग्स की सफाई, तो हस्बैंड कह रहे थे जल्दी जल्दी सारे बैग्स चेक कर लो, उसकी सफाई कर लो, क्योंकि अब बैग्स रेडी करने हैं क्योंकि हमने आना है बकरीद पे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बकरीद हम पाकिस्तान में ही मनाएंगे। और मुझे करनी थी बैग्स की सफाई, तो मैंने पूरा वो एरिया साफ़ कर लिया था क्योंकि बैग्स अलमारी में हम लोगों ने रखे हुए और वो बड़े बड़े बैग्स हैं, तो मैं उनको पूरे साल नहीं निकालती हूँ। उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है मुझे कि मैं उसको निकालूं। और कोई भी चीज़ रखनी होती है तो छोटी सी जिप खोल के रख देती हूँ। तो बस ये उसकी सफ़ाई करनी थी, तो उसकी सफ़ाई की थी मैंने। उसमें से मुझे बैग चेक करने थे, हस्बैंड ने कहा था कि बैग चेक कर लो, कितने बैग सही हैं, क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है बैग्स में। तो सामान तो खैर एंड में ही रखा जाएगा, अभी तो नहीं रख सकती मैं, ज़ाहिर है वो सारा सामान एंड में ही पैक होता है, कोई भी चीज़ पहले से पैक नहीं हो सकती। लेकिन बैग को चेक करना था तो मैंने बैग चेक किए और मैं कह रही थी कि चार बैग हैं लेकिन उसमें से पांच बैग निकले, जो हमने लास्ट ईयर बस एंड टाइम पे एक बैग लिया था पर्पल कलर का छोटा सा। तो फ़ायदा हो गया कि पहले ही मैंने बैग की सफाई कर ली और पता भी चल गया कि बैग उसमें कितने हैं। और ज़ाहिर है एंड में तो फिर सामान रखने का टाइम होता है तो बैग तो नहीं ख़रीदा जाता, तो इसलिए बस मैंने बैग की सफ़ाई की थी। उसके बाद सफ़ाई करने के बाद मैंने बैग को वापस साफ़ करके मैंने वापस अंदर रख दिया था, पूरा एरिया साफ़ कर दिया था। अच्छा रहता है पहले से साफ़ कर लो तो फिर जो भी चीज़ें लेके जानी है वो ऐसा ऐसा जो यूज़ वाली हैं वो तो ज़ाहिर है एंड में रखी जाएंगी और वो एंड में ही ज़्यादा बैग्स फुल होते हैं, लेकिन थोड़ा सामान रखा जा सकता है पहले ही। और अगर आप लोगों को अभी इस तरीके से ट्रैवल का सिलसिला होता है तो आप लोगों को भी ज़रूरत होती होगी कि इस तरीके से सामान पहले से ही सही कर लिया जाए और बैग्स की सफ़ाई, बैग कितने हैं, कितने लेके जाने हैं, सारी चीज़ें ही होती हैं। बस सफ़ाई करने के बाद बैग्स मैंने वापस रख दिए थे क्योंकि सामान रखने में तो अभी टाइम है, बकरीद में भी टाइम है। और फिर मैंने नाश्ता किया था, नाश्ते से पहले सारी सफ़ाई कर ली थी, तो एक्स्ट्रा जो सफ़ाई होती है वो मैंने पहले ही कर ली थी। और फिर शाम में किसी ने फरमाइश की थी कि लेडीज़ पार्टी जो वन डिश पार्टी हुई थी उसमें यह था कि आप कश्मीरी चाय क्यों नहीं बना के लेके आई, मुझे पीनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे ये समर में किस तरीके से कश्मीरी चाय गर्म होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो लेकिन उन्होंने फरमाइश की थी और मुझे इतनी पसंद है, मैंने कहा चलें ठीक है आप लोग मेरे घर पे आइएगा। तो जिन लोगों ने फरमाइश की थी मैंने उन लोगों को शाम पे बुला लिया था अपने घर पे। बस ऐसी छोटी सी चाय की पार्टी हो गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने स्पेशली मुझे कहा था। और फिर मैंने कश्मीरी चाय बनाई थी, हम तीन चार लोगों ने, पांच बल्कि लेडीज़ आई थी और हमने एंजॉय की, बहुत मज़ा आया, बस मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही कुछ स्पेशल था कि हमारी हो रही है पाकिस्तान आने की तैयारी और शाम में हल्की सी चाय की पार्टी हुई थी घर में, तो मैंने व्लॉग बना लिया था। इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दें और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।